इधर छत्तीसगढ़ में 3 अप्रैल को महतारी वंदन की दूसरी किश्त जारी होने वाली है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने INX 24/7 से खास बातचीत में बताया है कि महतारियों को उनकी राशि जल्द मिलेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में वातावरण है, बीजेपी के लिए चुनौती जैसा विषय ही नहीं है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से चर्चा की स्वप्निल कौर खेड़े ने। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मंत्रियों को भी जो है प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं, जिनको रायगढ़ लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। मैडम, 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं, कितनी चुनौती है? माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। 3 महीने के समय में जो विश्वास जनता हमारे ऊपर बनाई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, आम जनता के लिए कुछ अच्छा होगा, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए सब रेडी हैं। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त आ गई है, दूसरी किस्त कब तक महिलाओं के खाते में आएगी? प्रथम किस्त 10 मार्च को महिलाओं के खाते में चला गया था, दूसरी किस्त 3 अप्रैल को महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाने वाले हैं। बिल्कुल, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, जिन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना की जो दूसरी किस्त है वो 3 अप्रैल को जो है महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का जो माहौल है वो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में और छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INX न्यूज़ रायपुर।